तो भाई अभी अभी जो एक बहुत ही बड़ा न्यूज़ निकल कर आ रहा है कि फ्री फायर जो हमारा गेम है वो iOS डिवाइसेस से, मतलब आईफोन आईपैड जो भी iOS डिवाइसेस है वो सारे से गाइस यहाँ पे फ्री फायर ऐप स्टोर से हट चुका है। जी हाँ गाइस, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो ये आईफोन का ऐप स्टोर है एंड यहाँ पे जैसे ही मैं फ्री फायर सर्च कर रहा हूँ यहाँ पे फ्री फायर नहीं आ रहा है। ठीक है, तो फ्री फायर जो है टोटली फ्री फायर एंड फ्री फायर मैक्स जो है अभी हट चुका है ऐप स्टोर से। तो अभी बहुत सारे बंदों के मन में ये सवाल चल रहा होगा कि भाई ये क्यों हटा, इसके पीछे का रीज़न क्या है, अचानक से बिना कोई रीजंस की वजह से यहाँ पे हट चुका है आईफोन से। ठीक है, जितने भी iOS डिवाइसेस है सारे से हट चुका है। तो भाई वही भी आज मैं बताऊंगा आप लोगों को, इसके पीछे का पूरा सीन क्या है वो सारे मैं आप लोगों को बता दूंगा, मतलब क्यों हटा, कैसे हटा, कब हटा एंड भाई ये जो है कब तक वापस आएगा या फिर आएगा भी या नहीं। ठीक है, एंड अभी ऑलरेडी जिन फ्री फायर प्लेयर के पास, जिन आईफोन डिवाइसेस यूजर के पास मतलब ऑलरेडी फ्री फायर है, ठीक है, तो उनका क्या होगा भाई, क्या उनके मतलब फोन से भी, क्या उनके आईफोन से भी फ्री फायर हट जाएगा अगर ऐप स्टोर में नहीं है, उनके मतलब ऑफलाइन में गेम है, ठीक है, बट फिर भी ये हट जाएगा या फिर क्या सीन होगा, तो वही मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, एंड आपको क्या गलती नहीं करना ये भी आपको पता चल जाएगा। वीडियो को एंड तक जरूर से देखना, वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दो यहाँ पे हर एक बंदा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो हमारे, क्योंकि भाई हमारे चैनल पर आप लोगों को ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए मिलता रहता है। जितने भी फ्री फायर से रिलेटेड मतलब यहाँ पे इन्फॉर्मेशन होते हैं हम लोग अपने चैनल पर शेयर करते हैं। तो भाई ये 2-3 घंटे पहले की बात है कि यहाँ पे जो है जितने भी आईफोन डिवाइसेस प्लेयर है उनके ऐप स्टोर से फ्री फायर एंड फ्री फायर मैक्स बहुत ही हट चुका है। ठीक है, दोनों हमारा फ्री फायर गेम हट चुका है यहाँ पे ऐप स्टोर से, आईफोन के ऐप स्टोर से या फिर iOS डिवाइसेस जितने भी है उनमें से हट चुका है। एंड अगर आप लोग तो यहाँ पे आईफोन डिवाइसेस चलाते हो, मतलब आईफोन चलाते हो iOS डिवाइसेस चलाते हो, देन आपको जो है ये बात पता होगा कि भाई 2-3 दिन से जो है गेम काफी ज्यादा प्रॉब्लम दे रहा होगा। ठीक है, आपका कभी कभी गेम लॉगिन में इशू दे रहा होगा, कभी कभी यहाँ पे जो है मतलब कुछ ना कुछ इशू दे रहा होगा। ठीक है, मैच मेकिंग वगैरह में या फिर कुछ ना कुछ यहाँ पे इशू आपको मिल रहा होगा 2-3 दिनों से लगातार। ठीक है, फिर आज जो iOS डिवाइसेस से अनएक्सपेक्टेडली यहाँ पे जो है फ्री फायर हट चुका है पूरी तरीके से। ठीक है, तो भाई अगर आप लोग सर्च करोगे आईफोन डिवाइसेस में जाकर, ठीक है, सर्च करोगे फ्री फायर, देन उधर फ्री फायर नहीं आएगा, उधर पबजी आएगा। ठीक है, पबजी BGMI वगैरह आएगा आप लोग अगर सर्च करोगे, देन एंड फ्री फायर एंड फ्री फायर मैक्स दोनों का नामो निशानी नहीं है अभी ऐप स्टोर पे। अभी रिसेंटली अगर आप लोग गूगल पे जाके सर्च करोगे देन बहुत सारे आर्टिकल्स वगैरह भी आ जाएगा। ठीक है, इसके रिलेटेड की जो है आईफोन से मतलब iOS डिवाइसेस से जो ऐप स्टोर से उनके हट चुका है फ्री फायर एंड फ्री फायर मैक्स अनएक्सपेक्टेडली, इसका कोई भी वैलिड रीजन अभी तक निकल कर नहीं आ रहा है। मतलब यहाँ पे खुद फ्री फायर ने एंड खुद यहाँ पे ऐप स्टोर ने भी अभी तक जो है वैलिड रीजन नहीं दिया है कि क्यों फ्री फायर जो है ऐप स्टोर से हट चुका है, एंड क्यों यहाँ पे जो है ऐप स्टोर ने भी नहीं दिया है अपना रीजन कि भाई यहाँ पे हमने क्यों फ्री फायर एंड फ्री फायर मैक्स को हटा दिया है। ठीक है, तो भाई आपको मैं बता रहा हूँ कि इसका जो है रीजन क्या हो सकता है, मतलब ये हम गेस कर रहे हैं, इसका एग्जैक्ट रीजन तो नहीं पता किसी को, बट हाँ हम गाइस यहाँ पे गेस कर सकते हैं ये हो सकता है। ठीक है, मैं यहाँ पे जो है प्रोबेबिलिटी रख रहा हूँ अपना, ठीक है, प्रोबेबिलिटी बोल रहा हूँ कि भाई ये हो सकता है, यही होगा, मैं यही नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है, मतलब ये एक मेन रीजन हो सकता है, मेरी बात को ध्यान से सुनना। आपको पता होगा यहाँ पे ये बात जो है पबजी ने जो है फ्री फायर के ऊपर केस करा था। ठीक है, यहाँ पे रिसेंटली आपको ये बात पता होगा, केस फाइल किया था। ठीक है, कि भाई हमारा मतलब यहाँ पे जो है गेम को कॉपी कर रहे ये वो बोल के ये पबजी ने ऐसा केस फाइल किया था। एंड इसी चीज को लेकर बहुत सारे ऐसे बातचीत अभी हो रहा है। एंड आप लोगों को पता होगा जब पबजी ने यहाँ पे केस फाइल किया था तो उन्होंने ये भी बोला था कि जो फ्री फायर है वो प्ले स्टोर एंड ऐप स्टोर, मतलब जितने भी ऐप स्टोर एंड प्ले स्टोर है उन सारे से जो है हट जाना चाहिए फ्री फायर एंड फ्री फायर मैक्स। ठीक है, क्योंकि भाई उन लोगों ने जो है हमारा गेम कॉपी किया है, ऐसा बोल के यहाँ पे पबजी ने केस फाइल किया था। ये बात पता होगा आपको जब भी ये कॉन्ट्रोवर्सी के बारे में मतलब अगर आप लोगों ने सुना होगा तो। ठीक है, अभी बहुत सारे बंदे ऐसे सोच रहे होंगे कि आप पबजी ने यहाँ पे केस विन कर लिया फ्री फायर के खिलाफ जो उन्होंने केस फाइल किया था एंड जिसके लिए ही यहाँ पे जो है ऐप स्टोर से हट गया है iOS डिवाइसेस से, मतलब यहाँ पे जो है फ्री फायर हट गया है एंड ऐसे ही चलता रहा तो क्या हमारे एंड्रॉइड डिवाइसेस से भी फ्री फायर हट जाएगा। ठीक है, तो शायद मतलब यहाँ पे मैं ये नहीं बोलूंगा कि ये हो गया है। ठीक है, बट हाँ यहाँ पे प्रोबेबिलिटी एक लगा सकते हैं, नहीं तो भाई iOS मतलब एप्पल के कंपनी से, ठीक है, मतलब यहाँ पे जो है ऐप स्टोर से क्यों ही हटता। ठीक है, इतना बड़ा ब्रांड है एप्पल, ठीक है, एंड भाई उनके जो है ऐप स्टोर से यहाँ पे क्यों ही हट जाता फ्री फायर एंड फ्री फायर मैक्स, तो ये भी बहुत सोचने वाली बात है यहाँ पे। एंड इसके लिए कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट या फिर कोई भी वैलिड रीजन अभी तक निकल कर नहीं आ रहा, मैं फिर भी आप लोगों को बोल रहा हूँ। ठीक है, ये ऐसे बातें चल रहा है कि शायद यहाँ पे जो है पबजी ने यहाँ पे कैश विन कर लिया होगा क्या, मतलब ताकि यहाँ पे जो है जिसके लिए ऐप स्टोर से हट गया है। एंड अगर ऐप स्टोर से यहाँ पे हट गया तो भाई अगर ऐप स्टोर से हट गया तो भाई प्ले स्टोर से भी हट सकता है, ये भी बहुत सारे बंदों के मन में सवाल चल रहे होंगे।
तो आई नो, बट यार वेट करते हम लोग अभी ऑफिशियल स्टेटमेंट आने का, ठीक है। जब तक ये ऑफिशियल स्टेटमेंट आते हैं हम लोग कुछ भी नहीं कह सकते, बस हम लोग प्रोबेबिलिटी यहाँ पे गेस कर सकते हैं कि हाँ ऐसा ऐसा हुआ होगा। एंड अभी देखो जिन बंदों के पास जो है ऑलरेडी आईफोन में फ्री फायर है एंड फ्री फायर मैक्स है, तो वो जो है अभी डिलीट मत करना, आपका गेम जो है मतलब बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम देगा आपके गेम में, ठीक है। क्योंकि भाई आप iOS डिवाइस चला रहे हो तो ऑब्वियसली अगर ऐप स्टोर में ही नहीं है वो गेम, देन अगर आप चला रहे हो तो थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम देगा, यहाँ पे गेम इश्यूज होंगे कुछ, ठीक है। हो सकता है लॉगिन प्रॉब्लम हो, एंड जिसकी वजह से आप लोग VPN वगैरह मत यूज़ करना, नहीं तो आपका ID वगैरह बैन होने का चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। एंड आपके गेम को डिलीट मत करना, ठीक है। आपको भी नहीं पता ये कब तक आएगा, एंड हो सकता है ये ना भी आए कभी, बट हो सकता है ये फिर कुछ दिन के बाद ठीक हो जाए, सबको सॉर्ट आउट हो जाए, आ भी सकता है, ठीक है। एंड हाँ, जो भी प्ले स्टोर अभी बंदे हैं मेरी तरह एंड्रॉइड, जो भी बंदे यहाँ पे एंड्रॉइड में गेम खेलते हैं, ठीक है, उनके लिए यहाँ पे क्या सीन है कि भाई वो अभी थोड़ा यहाँ पे वरी करने का सिचुएशन है, कि भाई वो लोग सोचने वाला सिचुएशन है कि भाई अगर ऐप स्टोर से हट सकता है तो प्ले स्टोर से भी हट सकता है। बट हाँ, अभी जो है हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते, अभी बस ऑफिशियल स्टेटमेंट आने का वेट कर सकते हैं। तब तक के लिए भाई यहाँ पे आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे ये वीडियो को देखकर, मतलब जो भी बातें मैंने आपको बोला, ठीक है। बस आप वेट करो एंड पेशेंस रखो भाई, सब कुछ ठीक हो जाएगा आई थिंक सो। एंड तब तक के लिए टेक केयर, बाय एंड लव यू ऑल।